हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब गाइस? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, कुशल मंगल से होंगे। तो गाइस, अभी सुबह के बजे 11 और मैं कर रहा हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ब्लॉग नहीं चढ़ाया हुआ था। और मुझे कई लोग मिलते थे, वो कहते थे यार आप ब्लॉग रोज़ डालते नहीं हो। तो आज मैं बना रहा हूँ एक नया ब्लॉग। तो आज है भदरवाह में मौसम बहुत ही अच्छा और धूप काफ़ी अच्छी है। तो गाइस, ये रजनी काट रही कड़म की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे भदरवाइयों की जो कड़म की सब्ज़ी होती है, वो भी सर्दियों में जो सर्दी जब ठंड शुरू हो जाती है उस टाइम की जो सब्ज़ी होती है बहुत ही फेवरेट और फेमस होती है, भदरवाह की कड़म की सब्ज़ी। और रजनी काट रही आज कड़म। रजनी, तू आज दिन को ये बनाएगी कि शाम के लिए बनाएगी? आज ये दो रहनी है, पता नहीं क्या बनानी तूने। आशु खा रही या कड़म ये खा रही है, तो तू क्या बनाएगी? चला रहा है आशु का साइकिल और मेरा स्कूटी का हेलमेट लगा के चला रहा है। गाइस, मैं दे रहा हूँ अभी गाय को पानी, क्योंकि गाय को मैंने धूप में बांधा हुआ था। ये छोटी वाली गाय है और बड़ी वाली गाय मेरी वो उस साइड घास खा रही है। अब इसने मेरे पास पानी देखा है, अब इसके लिए भी पानी लाएंगे, पर पहले पलाएंगे हम इसको। और ये बैठी है हर्षू मेरे साथ, ये भी आई थी गाय को पानी देने। हर्षू, मजा आ रहा है? हाँ। कितना मजा आ रहा है? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा। अब उस वाली गाय को तू पानी पिलाना। हाँ गाइस, अगर हम गाय को पानी नहीं देंगे तो रोती रहेगी। हमने इसको घास दिया, इन्हें पूरा नहीं खाया। जब गाय को पानी नहीं देते ये क्या करती है? क्या बोलती? भौं भौं नहीं करती, सर हमने इसको पानी का घास। ये हमारी बड़ी गाय बुदना, इसको पानी दिया, इसने गिरा ही दिया यार, मेरी पूरी मेहनत खराब कर दी। तो गाइस, पता क्या, हमारी बुदना को होने वाला बच्चा वो भी अगले महीने होगा। उसके बाद हमने दूध और दही हमारे घर में बनता रहता है, पनीर बनती रहती है और मक्खन भी बनाते हैं हमारे शुभ और तानिश के लिए, क्योंकि यही ज़्यादा मक्खन खाते हैं और मुझे पसंद है दही और मक्खन, तो मैं खाता हूँ ये। और तब तक करेंगे हम गाय की सेवा, उसको घास टाइम से देंगे, फीड टाइम से देंगे, पानी हम उसको थोड़ा गर्म करके देते हैं क्योंकि पेट में बच्चा है तो बीमार ना हो जाए। और ये रजनी आई है इसके लिए कुछ लेके, और शायद वो कड़म के पत्ते हैं, जो कड़म इसने साफ किया था वो भी गाय को देंगे। तो हर्षू ने गाय के लिए पानी लाया और थक गई है, बाल्टी उठा के। गाइस, गाय को पानी देने गया है, गर्मी बहुत है यार, धूप बहुत तेज है, लग नहीं रहा है कि जनवरी लगा हुआ है, पानी पीना है। और वो भी मैंने बस भर के रखा, क्योंकि मुझे इसमें, हम सारे इसी में ही पीते हैं, क्योंकि बार बार ग्लास लाना फिर जूठा हो जाता है, इसलिए इसमें। ये था चश्मे का पानी, क्योंकि हमारे भदरवाह में ज़्यादा चश्मे होते हैं, पहाड़ी एरिया है, चश्मे ज़्यादा होते हैं, नलके का पानी हम यूज़ नहीं करते, वो यूज़ करते कपड़े धोने में और आप समझते हो क्या धोने में। तो गाइस, अब खाना है मुझे, खाना, क्योंकि मुझे जाना बाजार, मुझे है काम। तो सबसे पहले खाता हूँ मैं अब खाना। राजी सोई है तो मैं खाना कैसे खाऊं यार? आपको पता मैं बीमार हूं, तुम्हें क्या करूं? पर तू बीमार है तो खाना तो दे कम से कम यार। कड़म काट के थक गई और लेट गई पहले। मेरे पेट में कीड़े इतने उछल रहे हैं ना कसम से, मैं कड़म लक तुड़ू तुड़ू लक तुड़ू तुड़ू गाने पर नाच रही जैसे मुझे लग रहा है। नहीं कड़म नहीं, मुझे खाना दे यार, बस मैं जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं खा रहा हूँ अब खाना, क्योंकि मैं अभी इसके रिक्वेस्ट करूंगा यार, रजनी दे खाना, रजनी दे खाना, दे खाना, मुझे भूख लगी है। फिर ये देखिए खाना, तब तक परसों हमारी भदरवाह में लोहड़ी है, और मैं तानिश और हर्षू को ट्रेंड कर रहा हूँ कि लोहड़ी हमारे भदरवाह में कैसे मांगते हैं, मतलब घर घर में जाते हैं, आसपास के महल्ले में जाते हैं और लोहड़ी मांगते हैं। कोई 10 रुपये देता है, कोई 5 रुपये देता है, कोई कुछ देता है। तो अब वो बोल रही यार मेरे को भी ब्लॉग में शूट करो, मैं दिखाऊंगी कि मैं जब घर में मांगने जाऊंगी तो मैं कैसे बोलूंगी। तो अब मैं दिखाता हूँ अर्शू को, अब दिखते हैं, आप देखना कि ये कैसा बोलती है और कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे घरों में जाएंगे तो ये वाला बोलेंगे बच्चे, फिर जब अंदर से कोई आएगा तो वो उनको 10 रुपये देगा, 20 रुपये देगा, और बोलना यही होता है। उठना यार, इन बच्चों को दे कुछ यार, ये लोहड़ी मांगने आए हैं, इनको देने चाहिए 5-10 रुपये तो दो। ये कौन सा तरीका इनका, ये है किसकी बच्चे ही इतने इतने शरारती, ये कौन सा तरीका आपका लोहड़ी मांगने का?
अच्छा ये कौन सा तरीका लोडी मांगने का पैसा ही पैसा हो गया। मम्मी ने दिया इसको 10 रुपए, आप बोलती हम वापस नहीं देंगे, हम वीडियो में सिर्फ दिखा रहे थे, वापस नहीं देंगे, हम कुछ खाएंगे। 10 रुपए का ठिल्ला मेरे लिए क्या लाएगी? आपसे कुछ नहीं। क्यों? फिर लोड़ी वाले जब सच्ची लोड़ी होगी जब परसों तो मैं नहीं दूंगा कुछ। चुना लगा से बोल रहे थे आपको पैसे दूंगा, आ दिया नहीं। तुम्हें भी दिया, तेले में 2 रुपए रखे तो गाइज फाइनली रजनी ने ला लिया मेरे लिए खाना और साथ में अर्शु भी खा रही है क्योंकि उसने भी अपने लिए लाया, क्योंकि वो बोल रही थी मैं पापा के साथ खाऊंगी, तो अब खाते हैं हम खाना। खा रही है गाइज, क्या क्या लाया? चावल और ये अचार, सब्जी और दाल। अच्छा, और क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है, जैसे पापा खाते हैं मैं वैसे ही खाती हूँ, पापा ने भी यही खाया है। हमको लग खा ही लेते। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस अभी खाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। मैंने तो खाना खा लिया, तू रहेगी, तेरी बेइज्जती होने वाली है इधर। ये चावल प्लेट में से कोली में डाल रही है, कोली में से प्लेट में डाल रही है और खा नहीं रही है। बोले पापा आपके लिए लाया था पापा, मम्मी ने तो मेरे को मन गया। ऐसे ही खाना बड़ा कम खाती है इसको, ये बूटी होगी ना, इसको दांत नहीं। तो गाइस अगर किसी के पास पुराने दांत पड़े हैं तो इसके लिए भेजना। नहीं नहीं है, नहीं है, ये काफी टाइम लगा रही है और इसको खाना नहीं बन रहा, शायद इसके दांत उसको निकालने पड़े, बड़े आदमी के लगाने पड़ेंगे इसको। तो मारने के चक्कर में मैंने मत मत अपने आप को छुटाया। तो भाई रजनी को हो गया पेट खराब, तो मैंने बोला आशू बोल रही है मम्मी आप हॉस्पिटल में जाओ, मैं बोला हाँ यार इसको हॉस्पिटल में भेजते हैं, और उधर एक तो हीटर लगे होते हैं गर्म, दूसरे तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, है ना? ठीक है रजनी, आपको फंसेगी घर में, क्या करोगे? मैंने क्या करना है यार, जो बना होगा वही खाऊंगा, नहीं बना होगा तो बना लूंगा। मैं तेरे को दफा कर दूंगा उधर, तू उधर बैठना, है ना? और क्या, इधर इधर क्या करना, इधर मैं खाना खुद बनाऊंगा, बच्चों को भी मैं खुद इधर घुमाऊंगा, तो और खुद भी अनाज मारूंगा। और ये बीमार है इसको जाना बहुत ज़रूरी, गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर ये बीमार है तो इसको हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको बीपी भी लो हो गया है। तो वैसे औरतों को बीपी कम लो होना चाहिए, क्योंकि ये बोलती ज़्यादा है, पर पता नहीं कैसे हो गया, ये इतनी शरीफ औरत है बेचारी, तो इसको बीपी कैसे कम हो गया, देखो बीपी कैसे कम हो गया, अरे लड़ते हैं, क्या पता बीपी चढ़ जाए तेरे को। नहीं चढ़ता है, 2-3 दिन खतरनाक लड़ाई करते हैं आज, तीसरे दिन तो खड़ी उठी हूं आज मैं। नहीं नहीं खतरनाक लड़ाई करते ना, खून खराबे वाली खून खराबे वाली लड़ाई करेंगे तो बीपी खुद चढ़ जाएगा, है ना अर्शू? गाइस ऐसी चीज बात है, लोड़ी मांगनी है तो कमेंट में जरूर बताना, आप लेके चलेंगे अपने साथ, वो भी कल जाना हमने, कल नहीं तेरे को लोड़ी है, तेरे को नहीं कल ही है, तेरा को लोड़ी है यार, दो बार सोना है, ये तो फसाद हो जाना है, कोई बोलता कल कोई तेरा को, ये इसको बीमार हुई है, पेट खराब हुआ है, खड़ा उठना नहीं बन रहा है इसको, उठा के अंदर से हमने बेड के समेत इसको बाहर लाया, अब बेड के समेत अंदर डालेंगे, ये चल नहीं पा रही है, ये तो इसकी परेशानी, दूसरे आपकी परेशानी। गाइस सीधी बात है ना, क्या सीधी बात है, क्या दाड़ा बोल रही है, आप प्यार से नहीं बोल सकती? गाइस ये सीधी बात है, इनको स्टोर के अंदर बंद रखा 2 दिन, जब चूहे खाएंगे या तो बैठ के नीचे बंद ही रखा करो। और बोल तू खाना का, ओ गाइस देखो मैं एक बार बोलती है कि इसके लिए दांत भेज देना तो भेज देना, वो भी हाथी के दांत भेजना, ऐसे करने वाला बिल्लू, बिल्लू और क्या आपके। तो गाइस ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ बाजार, क्योंकि मुझे है काम, ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाया, तो इसलिए मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना,
और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना।